मंत्री आतिशी जी, मंच पे मौजूद हमारे विधायकगण, दिल्ली के शिक्षा सचिव और आज इस मौके पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मैं देख रहा हूँ आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें खासकर आई हैं, इतनी महिलाएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता माँ बाप दोनों को होती है, लेकिन माँ को ज़्यादा होती है। 24 घंटे, मेरे को याद है जब मैं भी छोटा था, मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे को पढ़ाया करती थी। पिताजी तो शाम को आते थे, पूछ लेते थे, हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन माँ जो है वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तो आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें आई हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस मौके में शिरकत करने के लिए आई हैं कि जब उनके बच्चों का स्कूल जो है वो बहुत शानदार बनने जा रहा है। आज उसकी आधारशिला रखी गई है। मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश चार विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरे दिल्ली में जितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया। और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं, वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।